पहले तक चिट फंड कंपनियां गरीब और जरूरतमंदों से लूट खसोट करती थीं, लेकिन अब लोन दिलाने का भ्रमजाल फैलाने वाली कई फर्जी कंपनियां शहर में खुले तौर पर लोगों से ठगी का शिकार बना रही हैं। ऐसा एक मामला सामने आया जिसमें युवक लोन की चाहत में 2 लाख रुपए डूबा बैठा है। हैरानी भरी बात यह है कि पुलिस थाने के अलावा आला अधिकारियों की दहलीज पर भी बार बार एड़ियां रगड़ने के बाद भी उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा। ब्लू डायमंड कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करने वाला युवक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई चाहता है, मगर अफसोस उसकी कोई सुनवाई तक नहीं कर रहा। धाननखेड़ी निवासी जयसिंह किरार ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस ब्लू डायमंड कंपनी से वह लोन की उम्मीद लगाए बैठा है, वह कंपनी लोन देने की बात तो दूर, उल्टे उस पर 2.5 लाख रुपए का चूना लगा देगी। इस पूरी कहानी की शुरुआत तब हुई जब जयसिंह किरार ने एक समाचार पत्र में कंपनी का ऐड देखा। विज्ञापन देखने के बाद उसने कंपनी के प्रतिनिधि को फोन लगाकर लोन की प्रक्रिया जानी। इस बीच कंपनी के प्रतिनिधि की लच्छेदार बातों में आ गया जयसिंह। जयसिंह के माने तो सबसे पहले उसे 1,750 रुपए की राशि जमा करने को कहा गया। इसके बाद रजिस्ट्रार ने पेपर वर्क के एवज में उससे तकरीबन 23,000 रुपए की राशि जमा करा ली गई। इतना ही नहीं, तमाम तरह की खाना पूर्ति करने का झांसा देकर उससे लगभग 2.5 लाख रुपए जमा कर ली गए, लेकिन लोन फिर भी नहीं मिला। जयसिंह को ठगी का पता तब चला जब लोन की राशि मंजूर कराने उससे रिश्वत मांगी गई। जब उसने जमा की गई राशि वापस मांगी तो उसके साथ कंपनी के प्रतिनिधि ने टालमटोली की। इसके बाद जयसिंह इंसाफ की गुहार लगाने एसपी कलेक्टर के पास पहुंचा, लेकिन यहां भी उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। परेशान ये है कि 6-7 जनवरी के लगभग हमने पत्रिका में ऐड देखा तो फोन लगा दिया मजाक मजाक में 2-3 बच्चों ने मेरे को, तो उसमें लोन के लिए उन्होंने बोला कि आपके लिए लोन मिल जाएगा, आप हमने किसी से लोन तो नहीं ले रहा का, हमने बोला हमने किसी से नहीं ले रहा, तो उन्होंने बोला 1,750 आप जमा कर दो। तो हमने सोचा 1,750 हमने जमा कर दिए। इसके बाद में हमें ये फाइल दी गई 1,750 जमा कर, फाइल चार्ज के नाम पर लिए हुए। 1,750 जमा करने के बाद में उन्होंने स्टाम्प शुल्क मांगा और नोटरी के लिए मांगे 14,000 रुपये, वो दे दिए। उसके बाद में फिर वो बार बार मांगने लगे, उन्होंने कहा कि मतलब आपका टैक्स लगेगा, आपको 2% जमा करना पड़ेगी आपके लोन के। इसके बाद में बोलने लगे कि आप लोन के लिए जमा करना पड़ेगी। इसके बाद में बोलने लगे कि वो रिश्वत मांग रहे हैं तो रिश्वत जमा करो, तो हमने इधर उधर से लेकर रिश्वत जमा कर दी। फिर इसके बाद में बोला वो नहीं हो पाएगा कि आपकी तारीख निकल गई, दोबारा से निकलवाना पड़ेगी तारीख। तो उन्होंने बोला 23,000 हो दोबारा जमा करो तारीख निकलवाने के लिए। मैंने बोल दिया मैंने कि आप तो हमारे आप पैसे वापस कर दो, तो उन्होंने बोला पैसे वापस कर देंगे 15 दिन लगेंगे। 15 दिन बाद दोबारा से फोन आया कि वो आपके पैसे वापस हो जाएंगे कि आप कंपनी का जो भी खर्च हुआ है वो आप हमें वापस कर दो, मतलब कंपनी के जो स्टाम्प और ये फाइल चार्ज वगैरह लगे नहीं जे हमें जमा कर दो। उनकी भाई मैं काट लो, तो नहीं कि नहीं कि वो कंपनी से तो चेक पूरा बन के आता है, कि चेक पूरा बन के आएगा कि कंपनी को सरकारी रिकॉर्ड में देना पड़ती है कि आपको देना पड़ेगी। इसके बाद से फोन तो उनका भी लग रहा है, 28 तारीख को पुलिस में रिपोर्ट की थी, 1 तारीख को एसपी ऑफिस में आवेदन दिया था, 1 मार्च को। नहीं यार, पुलिस वाले बोलते हैं कि जब ही हालचाल करना थी आप करते तो जब ही हो जाता, अब क्या करें। तो कितने दिन हो गए? करीब 2-2.5 महीना हो गया, 3 महीना। तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कौन सी कंपनी थी वो? ब्लू डायमंड फाइनेंस। झागर से ग्राउंड रिपोर्टर जालम किरार की रिपोर्ट।